के कहते थे इस देश का काला धन विदेशी बैंकों में बहुत जमा है और अगर हमारी सरकार बनी तो हम कार्रवाई करेंगे, उसको वापस ले आएंगे और इससे पैसा इतना है कि देश के हर नागरिक के खाते में पहुंच जाएगा। तो ये चार वर्ष अनेक लोग प्रश्न करते थे कि मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख जमा करेंगे, 15 लाख जमा करेंगे, और वो लोग उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो ज्यादा जोर से पूछते थे। एक हमारे कार्यकर्ता है गरीबन बिंद, उम्र 70 साल हो गई है, नाम भी लिखना नहीं जानते, मुझसे मिलने आए थे कार्यक्रम के बाद। जब मैं बाहर निकला तो उन्होंने मुझसे कहा कि सिन्हा जी एक बात हमको आपको बतानी है। उन्होंने कहा बताइए। तो भोजपुरी में बोल रहे थे, मुझे लगता है यहाँ सब लोग समझते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए रोज हल्ला करते हो वहाँ कि 15 लाख दिया मोदी, 15 लाख दिया, 4 बजे जीत गए, कहाँ गए। तो उन्होंने एक बात मुझे बताई, तो उन्होंने कहा कि देखिए 2.25 लाख का घर दे दें मोदी, 2 लाख का दुर्घटना बीमा दे दें मोदी, 2 लाख का सामान्य बीमा दे दें मोदी, 5 लाख का इलाज कर दें मोदी, 12,000 का शौचालय दे दें मोदी, 18,000 का गैस दे दें मोदी, तो 12,60,000 चाहिए होंगे। अब इन सब में ये सामान्य आदमी, मैं कहूँ कि अनपढ़ आदमी, गांव का गरीब आदमी संकेत को और संदेश को किस तरह समझता है, मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग शायद समझते हैं तो उसको व्यक्त नहीं करते हैं अपने कारणों से, उसको दूसरे रहते हैं।